मित्रों, ऋषि कश्यप की 17 पत्नियां थीं, जिनमें से एक मुनि नामक अप्सरागण का जन्म हुआ। इन अप्सराओं को नृत्य कला में प्रशिक्षित किया गया था, जिनका काम देवताओं का मनोरंजन करना था। उन अप्सराओं में से उर्वशी, मेनका, रंभा और तिलोत्तमा कुछ प्रमुख अप्सराएं हैं। दिव्य प्रकृति होने के कारण उनके पास अनेक शक्तियां थीं। अप्सराएं हम इंसानों की तरह ही एक जाति हैं, किंतु यह सूक्ष्म प्राणी हैं। महाभारत युद्ध के बाद उनकी जाति से हमारे कई संबंध टूट गए। अधिकांश प्राचीन पुस्तकें गंधर्वों, नागों, किन्नरों, अप्सराओं, योगिनियों और अन्य दिव्य प्राणियों के बारे में बताती हैं, जिनकी कई वंशावली आज भी मौजूद हैं। हमारी सनातन यौगिक संस्कृति में अप्सरा पूजा को अप्सरा साधना कहा जाता है। सबसे पहले मैं सावधान कर दूं कि यह साधना किसी पूर्ण गुरु के निर्देश के तहत ही की जानी चाहिए, क्योंकि यह साधना काफी पद्धतिपूर्ण है। इसमें विशेष बीज मंत्र, यंत्र, मुद्रा और विशेष कर्म कांड का प्रयोग करना होता है। इसीलिए सबसे पहले किसी गुरु, सिद्ध गुरु के पास जाना चाहिए। अप्सरा मनुष्य, देव, गंधर्व, राक्षस, किन्नर, यक्ष, यक्षिणिया, नाग की तरह एक प्रकार की योनि है। लेकिन हमारे पुराणों में अप्सराओं के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की गई है, इसीलिए आम लोग अप्सराओं को सिर्फ इंद्रलोक की नर्तकी मानते हैं, लेकिन यह सामान्य दृष्टिकोण से बहुत अलग है। दरअसल अप्सराएं शक्ति का रूप हैं, इसीलिए उन सभी को देवी के रूप में लिया जाता है और हमारे ऋषि मुनियों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। जब योग माया इस संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित कर रही थी, उसी समय उसने देवताओं को मोहित करने के लिए अप्सराओं की रचना की। अप्सराओं को सभी प्रकार के भौतिक सुखों की देवी कहा जाता है, क्योंकि वे आपको किसी भी प्रकार के भौतिक सुख देने में सक्षम हैं। अप्सरा का अर्थ है परी या अप्सराएं। दूसरी दुनिया में बहुत सारी परियां हैं, और यदि आप उनमें से किसी एक को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, साधना करवाने के लिए सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक हासिल कर सकते हैं। भौतिक लक्ष्यों से लेकर आध्यात्मिक प्रगति तक एक अप्सरा निश्चित रूप से आपकी यात्रा में मदद कर सकती है। बात बस इतनी है कि आपको पता होना चाहिए कि सिद्धि कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है और अप्सरा साधना को कैसे हल्के में नहीं लेना है। यदि आपको लगता है कि किसी अप्सरा को बुलाना आसान है, तो आपको पता नहीं है कि ऐसा करने के लिए आपको कितने प्रयास करने होंगे। वह कोई शिकार नहीं है, आपके जाल में फंस जाएगी। साथ ही यह कोई नियमित ध्यान या कोई सामान्य साधना नहीं है। हालांकि पूर्ण दृढ़ संकल्प, समर्पण, शुद्ध इरादों और अपने जीवन की बेहतरी के लिए आप निश्चित रूप से अप्सरा साधना कर सकते हैं और अपने लिए काम करने के लिए एक अप्सरा का आह्वान कर सकते हैं। इस साधना को पुरुष या महिला दोनों कोई भी कर सकता है जो चरम आनंद चाहता है, समाज में ध्यान आकर्षित करना चाहता है या किसी कला में कुशल होना चाहता है। जब कोई महिला इस साधना में निपुण हो जाती है, तो वह बहुत आकर्षक, भव्य और सभी प्रकार की कलाओं से परिपूर्ण हो जाती है। बुढ़ापे के बाद भी उसकी सुंदरता खत्म होती है। अब जानते हैं कि साधना के दौरान कौन कौन से खतरे सामने आते हैं। मित्रों, यदि कोई शिष्य केवल शारीरिक संबंध के लिए अप्सराओं की पूजा करता है, तो यह उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आम शिष्य से पहले अप्सराएं कभी भी अपने भौतिक शरीर के साथ पृथ्वी पर नहीं आती हैं, लेकिन प्रवर्तन के बाद उसे अपनी इच्छा पूरी करनी होती है, वह प्रवेश कर सकती है। अपने समाज की एक खूबसूरत महिला पर और आपके सामने आना, जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है और इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है और जो होनी भी चाहिए। वे अपने भौतिक शरीर के साथ पृथ्वी पर तभी आते हैं जब उन्हें किसी ऋषि की तपस्या भंग करनी होती है या जब उन्हें किसी अपराध के लिए श्राप देना होता है। वे भी तब धरती पर आते हैं जब वह किसी ऋषि मुनि की तरह उनसे विवाह करना चाहते हैं
अन्यथा वे सभी इंद्रलोक में ही रहते हैं। एक ऋषि और योगी अप्सरा या पूर्ण अप्सरा साधना की पूजा क्यों करते हैं? मित्रों, वे केवल इस साधना में निपुण होते हैं क्योंकि वे किसी भी भ्रम या माया में नहीं पड़ना चाहते हैं, क्योंकि जब वे अपनी साधना पूरी करते हैं तो वे एक महिला को पूरी तरह से समझने में सक्षम हो जाते हैं और वे अपनी अन्य सभी साधनाएं आसानी से पूरी कर सकते हैं। यहाँ याद रखने योग्य कुछ बातें यह हैं कि अप्सरा साधना अभिव्यक्ति के उद्देश्य से की जा सकती है। इस साधना की मदद से आप अपने दिल की इच्छा प्रकट कर सकते हैं। हालांकि आपको संपूर्ण साधना के प्रति निष्ठावान, समर्पित और दृढ़ रहने की आवश्यकता है। यदि आप अप्सरा को हल्के में लेते हैं तो अप्सरा साधना का प्रभाव वह नकारात्मक हो सकता है। भले ही वह आपके लिए काम करती है, लेकिन वह आपकी नौकर नहीं बन जाती। याद रखें कि वह जादू की दुनिया से है और इस प्रकार आपकी पहुंच से बहुत दूर है। यदि वह आपके लिए कार्य करती है तो इसका कारण यह है कि वह आपके समर्पण से प्रभावित है। कभी कभी बुरी आत्माएं भी अप्सराओं का रूप धारण करके आपके सामने आकर आपको साधना पूरी होने का एहसास कराती हैं। किसी को यह सोचकर साधना अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए कि काम पहले ही पूरा हो चुका है। साधना पूरी होने तक प्रतीक्षा करें और फिर अपने अधीन अप्सरा पर भरोसा करें। अप्सरा साधना को हल्के में नहीं लेना चाहिए, यह काफी बड़ा है, इसलिए हर किसी को इसकी जानकारी नहीं है। अप्सरा साधना बुरे इरादे से नहीं करनी चाहिए। एक कामातुर व्यक्ति इस साधना को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए सबसे पहले आपको योग से अपने कामातुर व्यवहार पर नियंत्रण करना होगा। लोगों को यह समझना होगा कि अप्सरा सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए नहीं होती, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं। उन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है। हम उनकी शक्ति को बहुत कम आंकते हैं और कुछ मूर्ख लोग सोचते हैं कि वे आनंद के साधन हैं। इस वीडियो में मैं उनकी शक्तियों, भौतिक शरीर, उनकी मानसिकता, कामुकता और उनके साथ हमारे संबंध के बारे में बताऊंगा। अप्सरा साधना में उन्हें माँ, बहन या प्रेमिका के रूप में जोड़ा जा सकता है। अब जानते हैं कि अप्सरा की शारीरिक बनावट कैसी होती है। मित्रों, अप्सरा कम से कम 9 फीट लंबी होती है। उनमें एक नेता या योगी की तरह उच्च ऊर्जा होती है। उनके शरीर से अद्भुत ऊर्जा निकलती है। वे अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर कपड़े नहीं पहनते हैं, बस खुले रहते हैं। उनकी त्वचा सफेद होती है और कान लंबे होते हैं। आंखें गहरे नीले रंग की हैं। जब वे हमारे साधना स्थल पर आकर बैठते हैं तो हम उनके सामने शिशु जैसे लगते हैं। उन्हें नृत्य करना पसंद है और वे नृत्य के माध्यम से अपनी ऊर्जा व्यक्त करते हैं। नृत्य उनकी योग साधना है जिसके माध्यम से वे प्रकृति से जुड़ते हैं। उनके पास सभी 8 सिद्धियां हैं। वे निर्वाण या मुक्ति नहीं चाहते, बल्कि दिव्य माँ के आनंदमय भक्तों के रूप में जीवन का आनंद लेना पसंद करते हैं। उनके लिए सब कुछ ऊर्जा का नृत्य है। अज्ञात युगों से वे लोगों को देवी का मार्ग सिखाते हैं। उनकी शिक्षाओं का भक्ति योग, सूफीवाद और तंत्र में जबरदस्त प्रभाव है। अप्सरा कामुकता की अवधारणा, यह सबसे बड़ा गलत समझा जाने वाला क्षेत्र है। अप्सरा किसी भी इंसान के साथ सेक्स नहीं करती। जो लोग यह सोचते हैं कि अप्सराएं उनके साथ यौन संबंध बनाती हैं, तो वे सिर्फ भ्रम में फंसे हुए हैं। एक अप्सरा केवल संतान पैदा करने के लिए सेक्स करती है। वे चिकित्सकों को सिखाते हैं कि ब्रह्मचर्य कैसे बनाए रखा जाए और उस ऊर्जा का उपयोग एक आनंदमय और शक्तिशाली जीवन बनाने के लिए किया जाए। ऋषि विश्वामित्र और कुछ अन्य राजा, ऋषि जिनका विवाह अप्सराओं से हुआ था, महिमा सिद्धि में माहिर थे, इसलिए वे शादी करने और बच्चा पैदा करने में सक्षम थे। साधारण मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। अब जानते हैं कि अप्सरा साधना में भ्रम की स्थिति क्या रहता है। अप्सरा साधना एक ऊर्जावान साधना है, इसलिए लोग अपने सपनों में सुंदर महिलाओं का अनुभव करते हैं
और अपनी यौन कल्पनाओं को संतुष्ट करते हैं। वैसे अप्सराएं सपने में आपके आनंद के लिए भ्रम पैदा करती हैं। यह हमारी इच्छाओं को शिथिल करने का उनका एक प्रबल सम्मोहन मात्र है। कई दिनों या महीनों के प्रयास के बाद साधक को अपने निकट एक स्त्री सत्ता का अनुभव होने लगता है। वह महिला बिल्कुल साधकों के ही कद की है और बेहद खूबसूरत है। आपने जिस महिला का सपना देखा था उसमें आपको ऐसा ही महसूस होगा। लोग उस महिला के साथ सेक्स भी करते हैं, बातें करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन यह भी उस अप्सरा का एक जाल ही रहता है। वह आपकी इच्छानुसार माया रचती है और साथ को आनंदमयी का अनुभव करवाती है। अधिकांश लोग यही संतुष्ट रहते हैं और जीवन के अंत तक इस भ्रम का आनंद लेते हैं। उन्हें उन भ्रमों से वित्तीय और भावनात्मक समर्थन और एंटी एजिंग यानी कायाकल्प युक्तियां मिलती हैं। यह सच्चे और अनुशासित मनुष्यों के लिए है जिनका एकमात्र लक्ष्य देवता बनना है। देवी की कृपा के बिना कोई भी इस चरण को नहीं छू सकता। इस चरण तक पहुंचने के लिए 3 साल की निरंतर साधना करनी पड़ती है, लेकिन आत्म परीक्षण और बहुत अधिक पीड़ा होती है। लेकिन उसके बाद भी कोई उसकी उपस्थिति की ऊर्जा का सामना नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें एक दिव्य माँ के रूप में मानकर दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ। उनकी भाषा को समझना बहुत कठिन है। उसके पास सभी 8 सिद्धियाँ हैं और उन क्षमताओं पर उसका नियंत्रण एक खेल की तरह है। वे पूर्णिमा के दिन किसी भी स्थान पर भौतिक रूप से प्रकट हो जाते हैं, लेकिन हम इंसानों की तरह उनके भी अपने प्रोटोकॉल और नियम हैं। ज्यादातर लोग जो इस चरण में सोना प्राप्त करते हैं वे उन्हें कुछ उपयोगी सलाह के साथ अमल में लाते हुए देखते हैं। उनकी सलाह को नजरअंदाज करना उनका अनादर करने जैसा है। जो लोग इसे नजरअंदाज करते हैं उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। मित्रों, अप्सराएं महान शिक्षक और चिकित्सक हैं। वे आपको अकेले और स्वतंत्र रहना भी सिखाते हैं। देह शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्ध हमारे जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि हम अपने उच्च ऊर्जा पूर्वजों की तुलना में कितने कमजोर हैं। कोई स्वतंत्रता नहीं, कोई स्पष्टता नहीं, कोई स्पष्टता नहीं, कोई ऊर्जा नहीं। अप्सरा हजारों वर्षों तक जीवित रह सकती है और बच्चे पैदा कर सकती है। वे बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं और जीवन के बारे में और अधिक खोज करते हैं। एक अप्सरा के अनुसार हमारा मानव शरीर 500 वर्ष से अधिक जीवित रहने के लिए बना है, लेकिन हमारे जीने का तरीका इतना घटिया और नकारात्मकताओं से भरा हुआ है कि हम 100 से पहले ही मर जाते हैं, लेकिन उनकी मदद से इसे बदला जा सकता है। अप्सरा साधना से कई खतरे हैं। कर्म में आयामी गिरावट, अस्तित्व के निम्न क्रम में बंधन और मृत्यु के बाद भी किसी प्राणी की इच्छा से बंधे रहने के अलावा कोई मोक्ष नहीं, क्योंकि हर चीज की एक कीमत होती है। ध्यान रखना और भगवान तुम पर कृपा करें।